रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद के इलाके माचका में दरियाए सिंध में बारातियों की कश्ती उलटने से 22 खवातीन डूब कर जामहक हो गईं। कई अफराद ताहाल लापता हैं जिनकी तलाश का अमल जारी है। दरियाए सिंध में बारिशों से भरी कश्ती उलट गई। हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में 100 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे, जो कश्मीर के कच्चे इलाके खरोड़ से सादिकाबाद के इलाके माचका जा रहे थे। हादसे के बाद मकामी गोताखोरों ने 9 से ज्यादा अफराद को बचा लिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बच्चों समेत कई अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। बारिशों के बाद दरिया में पानी के तेज बहाव की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। मरने वालों का ताल्लुक एक ही बिरादरी से बताया जा रहा है। वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज ने वाकये पर अफसोस का इजहार करते हुए जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से तअज़ियत का इजहार किया और इंतजामिया से हादसे की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। रहीम यार खान में सादिकाबाद के करीब दरियाए सिंध में कश्ती डूबने से अमवात की तादाद 22 हो गई है और कई लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे गुलाम यासीन से। गुलाम यासीन, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, क्या मजीद हलाकतों का भी खदशा है? जी, दरियाए सिंध में कश्ती उलटने के मामले पर जो है अभी तक जो है 22 खवातीन की लाश निकाली गई है। इस वक्त जो है रात का अंधेरे होने के बाद जो है रेस्क्यू टीमों का मुश्किलात का सामना था। अभी जो है रेस्क्यू टीमों ने काम रोक दिया है, दिन का आवाज होते ही शुरू करेंगे। इस वक्त जो है 30 से 35 के करीब जो है रेस्क्यू टीमें हिस्सा ले रही हैं। जी, लापता अफराद की तादाद कितनी है? जी, मकामी अफराद के मुताबिक जो है जो 22 लाशें मिली हैं खवातीन की, बस अभी तक जो है बच्चे और खवातीन समेत जो है कई लाशें, कई अफराद जो है लापता है। मकामी अफराद के मुताबिक 10 से 15 अफराद जो है लापता है अभी तक। जी गुलाम यासीन, बहुत शुक्रिया आपका।